Welcome everyone. In today's physics class, we are going to learn about a contact force. But contact force क्या होता है? ये start करने से पहले हम थोड़ा force को revise करते हैं. So what is the force? जो कि हमने previous class में study किया है. Force means to push or pull the object. किसी object को push करना और pull करना means force. अगर कोई एक box है, अगर आप उसे push करते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं, पुल करते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं. दिस इज द फोर्स, ये हम स्टडी कर चुके हैं. एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो आज की क्लास में हम कॉन्टैक्ट फोर्स का स्टडी करने वाले. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो लेट्स What is a contact force? So, we are learn the contact force with definition. Firstly, हम definition के through से समझते. What is a contact force? A force is applied through a direct contact of the object or via one more object. Such a force is called contact force. अगर हमने किसी object को direct contact करके force apply किया है और वह किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू फोर्स अप्लाई किया है तो हमने कौन सा फोर्स अप्लाई किया है? कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट मीन्स बॉडी को टच करके फोर्स अप्लाई करना, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं. पहला, ए लड़के ने इस बॉल पर फोर्स लगाया, यानी कि उसका पैर इसको टच किया है, यानी कि उसका पैर का बॉल के साथ कॉन्टैक्ट आया है. वो बॉल तब तक मूव नहीं करेगा जब तक वो लड़का उसे टच नहीं करेगा. तो उसने टच किया तो बॉल क्या होगा, यानी कि उसने उस पर फोर्स लगाया तो बॉल मूव करेगा. सो दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. लड़के का बॉल के साथ कॉन्टैक्ट आया, यानी कि लड़के ने बॉल पर कॉन्टैक्ट करके फोर्स लगाया, दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड अ सेकेंड एग्जाम्पल, जोकर इज अ स्टैंड ऑन अ फ्लोर. जोकर फ्लोर पर खड़ा है, यानी कि जोकर ने फ्लोर पर फोर्स लगाया, यानी कि जोकर का और फ्लोर का कांटेक्ट हुआ है, टच हुआ है एक दूसरे के साथ. सो दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स. वेट एंड कांटेक्ट फोर्स. अब आपको एक ग्रेविटेशनल फोर्स का है, ये हम नॉन कांटेक्ट फोर्स के फोर्स में पढ़ने वाले. यहाँ पे भी क्या हो रहा है? टच हो रहा है. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. अब ये लड़का इस ट्रॉली को लेकर जा रहा है, लेकिन ये ट्रॉली किसके साथ बंधी हुई है, यानी कि रस्सी से बंधी हुई है. तो रस्सी के थ्रू उसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि रस्सी के साथ उसका कांटेक्ट है, कांटेक्ट करके उसने फोर्स लगाया, पुल किया है. सो दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके फोर्स लगाया, यानी कि टच करके फोर्स लगाना और किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू फोर्स लगाना, दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. सपोज आपकी गाड़ी बंद पड़ गई है तो आपने आपको गाड़ी को पुश किया, यानी कि टच करके फोर्स लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. आप अपने डॉग को बाहर घूमने ले जा रहे तो डॉग को रस्सी के साथ हमने बांधा हुआ है और उसे खींच रहे तो डॉग को आपने पुल किया, यानी कि फोर्स अप्लाई किया है किसके थ्रू, रस्सी के थ्रू. So this is the example of contact throw. I have students, you are getting the points, contact force. अब हम इसके examples देखते हैं, types देखते हैं. Examples of contact force. There are mainly two types of contact force. Muscular force and force of friction or frictional force. Contact force के दो main types है, muscular force and frictional force. तो मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या है ये हम पढ़ते हैं. पहले मस्कुलर फोर्स क्या है वो पढ़ते हैं. मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मसल्स ऑफ अवर बॉडी. आपकी बॉडी किसी फोर्स, आपकी बॉडी के मसल्स कोई फोर्स अप्लाई कर रहे, यानी कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे बट आपके बॉडी के मसल्स के थ्रू.
तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। वी यूज़ अ मस्कुलर फोर्स फॉर आवर वेरियस एक्टिविटीज़। हम यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल एनिमल लाइक बुलेट्स, हॉर्सेस, कैमल्स, डोंकीज, एलिफेंट्स ऑल्सो यूज मसल्स फॉर परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी और वेरियस टास्क। अब जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा है यहाँ पे हॉर्स एक गाड़ी को पुल कर रहे हैं, यानी कि हॉर्स अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हॉर्स फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है, उसके बॉडी के मसल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे लड़का साइकिल चला रहा है, यानी कि वो लड़का उसके उस लड़के के बॉडी के मसल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने फोर्स लगाया है, यानी कि आपने फोर्स लगाया है बट आपके बॉडी के मसल्स के थ्रू फोर्स अप्लाई किया है। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये लड़की क्रॉस कर रही है, ये जो मार्क है वो क्रॉस कर रही है, यानी कि उसने वो फोर्स लगाकर वो रन किया है और उसने वो क्रॉस किया है, यानी कि उसके बॉडी के मसल्स थ्रू उसने ये फोर्स अप्लाई किया है। यहाँ पे भी एक कैमल उस गाड़ी को लेकर पुल कर रहा है, यानी कि उसके बॉडी के मसल्स ने फोर्स अप्लाई किया है। सो दिस आर द मस्कुलर फोर्स। अगर आप कोई बॉक्स को उठा कर ले गए, पुश करके ले गए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपने फोर्स लगाया है, ये आपके बॉडी के मसल्स ने फोर्स लगाया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स एंड दिस इज द मस्कुलर फोर्स मीन्स फोर्स एग्जर्टेड बाय मसल्स ऑफ अवर बॉडी। आपके बॉडी ने कोई फोर्स अप्लाई किया है तो दिस इज द मस्कुलर फोर्स। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं और लास्ट पॉइंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। वॉट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। मीन्स अगर कोई फोर्स अपोजिटली एक्ट हो रहा है तो हम उसे कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि जब आप आपके हाथ रब करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? हीट जनरेट होती है, यानी कि आपके हाथ आप ऐसे रब कर रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि हीट जनरेट होगी, आपके हाथ आपको गर्म लगेंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे देखा है अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम टू रेस्ट ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सपोज ये बॉल है, ये क्या है? रोल कर रहा है। रोल करते करते क्या हुआ है? एक जगह पर आकर स्लो हो गया और रेस्ट पे आ गया। व्हाई? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है? उसकी स्टेट चेंज करता है, यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा होता है, यानी कि जब फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि बॉल मोशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इफ वी स्टॉप पैंडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम टू अ स्टॉप ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जब आप पैंडल साइकिल्स का पैंडलिंग स्लो करते हैं तो क्या होता है? स्टॉप होता है। व्हाई? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में अगर आप किसी क्या बोलेंगे आप यहाँ वहाँ, ये जो खेलने की चीज होती है सीसॉ के टाइप, जब आप वहाँ से चले आते यानी कि नीचे फिसल जाते, तो आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। यानी कि जो फोर्स मोशन के अपोजिट में लगा होता है उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो बेस्ट एग्जांपल, जब हम अपने हाथ एक दूसरे पर रब करते हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होता है बट मोशन इस डायरेक्शन में होती है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आप हमेशा याद रखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट इन मोशन। सो दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अ टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके फोर्स लगाना, यानी टच करके फोर्स लगाना, और किसी ऑब्जेक्ट के
थ्रो फोर्स लगाना, दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्क्यूलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द टॉपिक कॉन्टैक्ट फोर्स एंड टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. थैंक यू.